स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश की रीवा के आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र छात्राओं के आंदोलन के बीच बंटवारे ने भेजा नोटिस। मध्य प्रदेश की रीवा के आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र छात्राओं के आंदोलन के बीच में प्राचवारा ने नोटिस भेजा है। बता दें कि विगत 10 दिनों से रीवा आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र और छात्रा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं होती दिखाई दे रही है। इसी बीच आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचवारा ने छात्रों को नोटिस के माध्यम से चेतावनी जारी की है कि अगर छात्र क्लास में समय से नहीं उपस्थित होते हैं तो उन्हें कॉलेज से बाहर कर दिया जाएगा। जिसको देखते हुए छात्रों में काफी आक्रोश है। बता दें कि छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम आंदोलन प्रदर्शन करते रहेंगे। रीवा से अभिनय शुक्ला की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता भट्टागर है। कितने दिन से धरना चल रहा है? हम यहाँ 9 दिन से बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, और आज हमको नोटिस आया है वार्डन की तरफ से हॉस्टल में कि अगर हम क्लासेस ज्वाइन नहीं करते और हड़ताल को खत्म नहीं करते तो हमको हॉस्टल खाली करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारी अनिश्चित 5 सूत्री मांग है, जिसमें से ये है कि 15% जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसको हटाया जाए, हमारी यूनिवर्सिटी को पृथक किया जाए। हम बहुत टाइम से यूनिवर्सिटी के लेट लतीफी वाले रिजल्ट से परेशान हैं, और हमारी इसके अलावा भी मांगे हैं। अभी मांग पूरी नहीं हो तो क्या करेंगे मित्र? हम यहाँ पे जब तक हमको ये मांगे लिखित रूप में नहीं मिलती हम यही डटे रहेंगे और हम अपना मांगे मनवा कर ही रहेंगे। हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं।